महाराष्ट्र में अमित शाह की सभी रैलियां रद्द, अचानक नागपुर से दिल्ली रवाना, जाने वजह। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभी रैलियां रद्द हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल शाह आज महाराष्ट्र में 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अचानक से ये खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मणिपुर हिंसा की वजह से उनका ये चुनावी दौरा रद्द हो गया है। शाह लगातार मणिपुर के हालात पर नजर रखे हैं और उच्च अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। अमित शाह गढ़चिरौली, वर्धा, काटोल और सांवेर में चुनावी जनसभा करने वाले थे। शाह की जगह अब स्मृति ईरानी इन जगहों पर चुनावी जनसभा करेंगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है। 288 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में आज शाह ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले थे, लेकिन मणिपुर हिंसा के कारण अचानक उनकी सभी रैलियां रद्द हो गईं। डीजी सीआरपीएफ मणिपुर रवाना। मणिपुर में हालात को देखते हुए डीजी सीआरपीएफ मणिपुर रवाना हो गए हैं। वो वहां जाकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए नए सिरे से टीम बनाई जा रही है। मणिपुर के कुछ इलाकों में जहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई थी, वहां दोबारा कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए विशुपुर, इम्फाल, जीरीबीम इलाकों में दोबारा कर्फ्यू लगाया गया। केंद्र सरकार लगातार एक्टिव। मणिपुर में कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। डीजी सीआरपीएफ के मणिपुर दौरे के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी जल्द ही राज्य का दौरा करेगा। शनिवार को केंद्र सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को कायम करने के लिए एक अहम आदेश दिया था कि जो लोग हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं और उपद्रवकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मणिपुर में क्यों भड़की हिंसा? मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है।